यहाँ पर बैठे सभी माननीय सदस्यों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। ना खाता ना बही है, जो तुम बोलो वही है। न्यूज ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है, मगर मेरे शहर के हैं सवाल कई, मेरे शहर के हैं सवाल कई। सिस्टम का बुरा हाल क्यों, सच पर FIR क्यों, बुलडोजर की मार क्यों, झूठ की जय जयकार क्यों, निष्ठुर है सरकार क्यों, खाक हुए अरमान क्यों, परेशान है नौजवान क्यों, बेहाल है किसान क्यों, बनते हो अनजान क्यों, रैली ये आलिशान क्यों, ये दिखावा ये गुमान क्यों, होगा ये संयोग कब, बीतेगा ये होगा ये संयोग कब, बीतेगा ये शोक कब, समझोगे तुम लोग कब, मेरे शहर के हैं सवाल कई, मेरे शहर के हैं सवाल कई। मान्यवर, मुझे तो ये सिस्टम ही नहीं समझ में आता कि यहाँ पर जब हम लोग उपस्थित होते हैं तो इतने बड़े बड़े बजट पेश किए जाते हैं, और जब हम अपनी विधानसभाओं में जाते हैं और कुछ भी किसी भी विभाग में काम करने की बात करते हैं तो ना बजट रहता है ना कुछ, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि ये सेल्फ क्लेम्ड देशभक्त समाजवादियों को देश की बात बताते हैं। हम वो समाजवादी हैं जिसने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कमजोर मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के अधिकारों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। उनके हकों के लिए, उनके न्याय के लिए हम समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष किया है, हम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। माननीय समाप्त करें। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश की उपलब्धियों को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है माननीय, वहां तक तो आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका वो व्यू पॉइंट ही नहीं है। क्या किया है समाजवादियों ने? एक्सप्रेस वे किसने दिया? समाजवादियों ने। मेट्रो किसने दिया? समाजवादियों ने। वुमेन हेल्पलाइन 1090 समाजवादियों ने। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किसने बनाया? डायल 100 से समाजवादियों ने। संक्षिप्त करें, डायल 108 एम्बुलेंस की सुविधा किसने दी? समाजवादियों ने। पावर प्लांट किसने लगाए? समाजवादियों ने। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किसने बनाया? समाजवादियों ने। आप योजनाओं की बात करते हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, ये सब किसने दिया? समाजवादियों ने। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में लिखवा दिया था कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हमें लगता है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी माननीय, कि सरकार को लिखवा देना चाहिए कि खामोश, आप उत्तर प्रदेश में हैं। और मुझे लगता है पूर्वांचल की भाषा में अगर ये कहा जाए कि बोलला तक गईला, तो ये ज्यादा सही रहेगा। एक शेर के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी अपनी बात माननीय। ये दबदबा ये हुकूमत ये नशाए सत्ता, ये दबदबा ये हुकूमत ये नशाए सत्ता, ये सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।